हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में ले आए हैं आपके लिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि नितिन सिंह के बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चन है। और ये जो चैप्टर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, कैलेंडर्स इन इंडिया, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, लॉ एंड कल्चर, मार्शल आर्ट्स इन इंडिया, कल्चरल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, कॉइन्स ऑफ एंशेंट इंडिया एंड इंडियन कल्चर अब्रॉड। ये जो है बहुत ही हेल्पफुल है जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, और जो कि UPSC प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। और आप इस वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो है, हम लोगों ने इसका जो पहले से भी पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री में इसका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है। और जो ये जो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर का लास्ट पार्ट है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन, चतुरंगा स्पोर्ट्स इन एंशियंट टाइम्स इज प्रेजेंटली प्लेड बाय द नेम। चतुरंगा जो है प्राचीन काल में खेला जाता था और उसका नाम जो है बदल गया है, तो उसको प्रेजेंट टाइम में किस नाम से जाना जाता है? जूडो, कराटे, रेसलिंग या चेस? इसका सही आंसर है चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एन अल्केमिस्ट और केमिस्ट बाय प्रोफेशन इन एंशियंट एरा? तो इनमें से जो है, इनमें से कौन जो है रसायन वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते थे? अब सप्तम्भ, ब्रह्मीर, ब्रह्मगुप्त, नागार्जुन। इसका सही आंसर जो है नागार्जुन। अपसप्तम्ब जो है वो रेखा गणित या ज्योमेट्री के लिए फेमस थे, और ब्रह्मीर जो है ज्योतिष शास्त्र के लिए फेमस थे, और जो ब्रह्मगुप्त जो है वो गणितज्ञ थे, और उन्होंने ही हमारे जो है गणित में जीरो का जो दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एरियाज रिलेटेड टू केमिस्ट्री। मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर, प्रोडक्शन ऑफ पेपर, डिस्टिलेशन ऑफ परफ्यूम्स। तो ये जो इसमें से कौन कौन सा जो है रासायनिक रसायन क्षेत्र में जाता है? इसका सही आंसर है 1, 2, 3 एंड 4। मेटल जो है धातु काम का है, एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर जो है चीनी बनाने का जो है, और प्रोडक्शन पेपर जो है पेपर बनाने के लिए जो ज्ञान है, और डिस्टिलेशन ऑफ परफ्यूम जो है परफ्यूम बनाने के लिए। तो ये चारों जो है रासायनिक क्षेत्र से में जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर सेंटर्स ऑफ मेडिसिनल लर्निंग ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स। इनमें से कौन सा जो है जो औषधीय जो है मेडिसिनल लर्निंग के लिए जाना जाता था प्राचीन काल में? इसका जो ऑप्शन दिया गया है, तक्षशिला, वाराणसी। इसका सही एंड बोथ एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्रुत संहिता व्हिच डील्स विद सर्जरी एलैबोरेटली डिस्कस अबाउट राइनोप्लास्टी, ऑप्थोमोलॉजी। जो सुश्रुत संहिता एक पुस्तक है उसमें सर्जरी के बारे में बताया गया है, तो कौन से सर्जरी के बारे में बताया गया है? राइनोप्लास्टी या फिर ऑप्थोमोलॉजी? राइनोप्लास्टी मतलब जो नाक की सर्जरी, जो प्लास्टिक सर्जरी करके किया जाता है, ऑप्थोमोलॉजी जो है वो नेत्र विज्ञान के बारे में है। और नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और नाइदर ए और नॉर बी। इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए लूनर ईयर कंप्राइज ऑफ 354 डेज, ए लूनर ईयर हैज 12 मंथ्स। व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। इसका सही आंसर है बोथ वन एंड टू। ये जो लूनर ईयर मतलब चंद्र वर्ष होता है उसमें 354 जो है दिन होता है और 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए लूनर मंथ स्टार्ट्स इन द अमासंत डार्क हाफ, सोलर मंथ इज फॉलोड इज मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसका जो ऑप्शन दिया है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। इसका सही आंसर है नाइदर वन नॉट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनर ईयर फॉल्स शॉर्ट ऑफ सोलर ईयर बाय
लूनर ईयर मतलब जो है चंद्र वर्ष, और सोलर ईयर जो है सूर्य वर्ष है। ओके, तो इसका ऑप्शन दिया है 10 डेज, 11 डेज, 12 डेज एंड 13 डेज। इसका सही आंसर है 11 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटर कैलेंडरी मंथ एडेड टू ए लूनर ईयर टू एडजस्ट द डिफरेंस ऑफ द लूनर ईयर विद द सोलर ईयर इज कॉल्ड बड़ा मास, क्षय मास, अधिक मास, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है अधिक मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंटरकैलेंडरी मंथ इज एडेड टू लूनर ईयर इन द गैप ऑफ 2 to 3 years, 3 to 4 years, 5 years, 1 and 2 years। इसका सही आंसर है 2 to 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कृष्ण पक्ष स्टार्ट विद द डे फॉलोड द न्यू मून, द लूनर डे इज कॉल्ड तिथि। व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट इज, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। कृष्ण पक्ष जो है वो न्यू मून से स्टार्ट होता है, और लूनर डे जो है उसको तिथि कहते हैं। इसका जो ऑप्शंस में से हम लोग कौन सा ट्रू है, ओनली टू, जो टू ऑप्शन जो है कि बी ऑप्शन में वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द लूनर कैलेंडर वन मुहूर्त कंप्राइजेस ऑफ, तो ये जो चंद्र के हिसाब से जो कैलेंडर है उसमें वन मुहूर्त का कितना मिनट होता है, 45 मिनट्स, 48 मिनट्स, 60 मिनट और 148 मिनट्स। इसका सही आंसर है 48 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लीम्स ऑफ पंचांग अंडर हिंदू कैलेंडर, नक्षत्र, युग, करना, ओनली वन, वन एंड टू, वन टू एंड थ्री, ओनली थ्री। इनमें से कौन से जो है पंचांग के अंग हैं, तो इसका सही आंसर है 1, 2 एंड 3। तीनों जो है पंचांग के अंग है, नक्षत्र, योग, कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विक्रम संवत, इट इज बेस्ड ऑन लूनर ईयर, द जीरो ईयर इज 78 AD। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। तो संबंध विक्रम संबंध के हिसाब से जो ये लूनर ईयर के हिसाब से बेस्ट है, और इसका जो द जीरो ईयर मतलब 38 AD है। इसका सही आंसर है ओनली वन, ये लूनर ईयर के चंद्रमा वर्ष के हिसाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, शाखा संबंध है 365 डेज इन ए ईयर, द ईयर अंडर शाखा संबंध बिगिंस ऑन 22nd March, व्हिच ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, वन, टू, वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। इसका सही आंसर है बोथ वन एंड टू, जो शाखा संबंध जो है उसमें 365 दिन है, और जो उसका जो आरंभ जो होता है, स्टार्टिंग जो है वो 22nd March को होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, दिवाली फॉल्स ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ पूर्णिमा, इट मीन्स फुल मून, इट इज बेस्ड ऑन महाभारत, इंग्लिश ऑफ द इज आर करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। दिवाली जो है वो पूर्णिमा के दिन में पड़ता है, और ये महाभारत के हिसाब से है, तो ये जो इसका आंसर जो है नाइदर वन नॉट टू, क्योंकि हमको पता है दिवाली जो है अमावस्या दिन के दिन में पड़ता है, और ये रामायण जो राम जब रामायण के हिसाब से ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी फॉल्स इन व्हिच मंथ्स पर शक संबद्ध, असद, सावन, भाद्र, कार्तिक। इसका सही आंसर है भाद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मुस्लिम फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सेक्रेट पीरियड ऑफ अर हज, ईद उल जुहा, ईद उल फितर, मिलाद उल नबी, मुहर्रम। इसका सही आंसर है ईद उल जुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेस्टिवल ऑफ गुड फ्राइडे इज टू कमरेट द डे ऑफ क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, रेसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरुज लॉस्ट देयर लाइफ टू द मुगल्स, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉट बी। इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी।
गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर जो है उन्होंने अपने जो है जीवन दिया था तो मुगल्स और सिपुर लास्ट दे लाइफ टू मुगल्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कंग्रेगेशनल सिंगिंग ऑफ शब्द इज रिलेटेड टू मुहर्रम, गुरु पर्व, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा। ये कंग्रेगेशनल जो है प्रभात फेरी जो सुबह के समय किया जाता है, इसका जो सही आंसर जो है ये गुरु पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द फेस्टिव डे मेन एंड वुमेन सिलेक्ट देयर लाइफ पार्टनर्स एंड बाय एलोपिंग विद देम। ये जो है फेस्टिवल है जिसमें मैन और वुमेन जो है अपना लाइफ पार्टनर इस फेस्टिवल में पर्व में अपने लाइफ पार्टनर को चुनते हैं। जो फेस्टिवल कौन सा है, गौंगर फेस्टिवल, खजुराहो फेस्टिवल, करवा चौथ और नवरोज। इसका सही आंसर है ये गौंगर फेस्टिवल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, खर्ची पूजा आसाम, चेरोबा फेस्टिवल मणिपुर, वांगला फेस्टिवल मेघालय। इसका सही आंसर है खर्ची पूजा आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, भारत रत्न अवार्डीज आर गिवन ए पीपल लीफ शेप मेडल एंड ए सर्टिफिकेट, प्रेसिडेंट चूजेस नॉट मोर देन थ्री पीपल एट भारत रत्न अवार्डी एवरी ईयर, 10 lakhs इज गिवेन टू भारत रत्न अवार्डीज। Which of the above is are correct? Only one and two, one and three. इसका सही आंसर है 1 and 2। तो भारत रत्न जो अवार्डी होते हैं उनको पीपल लीफ शेप का मेडल दिया जाता है, और प्रेसिडेंट जो है 3 से ज़्यादा जो है नहीं चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who of the following is not a भारत रत्न अवार्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। इसमें ध्यान रखने की बात ये नॉट भारत नॉट नॉट मतलब किसको नहीं दिया गया है। ओके जो जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड नहीं पाया है, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फील्ड्स, स्पोर्ट्स, आर्ट, सोशल वर्क, सिविल सर्विस, लिटरेचर एंड एजुकेशन, इन व्हिच ऑफ द अबव फील्ड्स पद्म अवार्ड इज गिवन, 2, 4 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5, 2, 3, 4 and 5, 2, 3 and 5। इसका सही आंसर है 1, 2, 3, 4 and 5, ऑल ऑफ द अबव। सभी क्षेत्रों में जो है पद्म अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट पद्म अवार्ड्स, ए रेसिपिएंट ऑफ लेसर डिग्री ऑफ पद्म अवार्ड कैन बी अवार्डेड ए हायर डिग्री ऑफ अवार्ड्स ओनली आफ्टर 5 years और मोर, द अवार्ड इज नॉट गिवन पोस्टमोसली। इसके ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। इसका सही आंसर है ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अवार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन लोटस अवार्ड, भारत रत्न, पद्म विभूषण, नेशनल फिल्म अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इसको इसमें से कौन से अवार्ड को गोल्डन लोटस अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है नेशनल फिल्म अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल वैल्यू, आर्टिकल 43, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 49। इसका सही आंसर है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 के हिसाब से प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस को जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर एंटीक्विटी एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972, ऑब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड एंटीक्विटीज ओनली इफ दे हैव been produced before 100 years, 300 years, 500 years, 1000 years। इसका सही आंसर है 100 years। जो भी एंटिक हम लोग बोलते हैं वो सब जो कि 100 years से पुराना होगा तो उसको एंटिक के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया, कलरीपयट्टू टू सिलंबम, गटका, व्हिच ऑफ द अबव आर बैंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये जो तीन है ये मार्शल आर्ट्स हैं और इनको जो है ब्रिटिश रूल के टाइम में जो है अंग्रेजों के टाइम में इसको बैन किया गया था। तो इनमें से कौन कौन सा है, 1 and 2, 1 only, 2 only, 1, 2 and 3 only। इसका सही आंसर है 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड,
ಕಲರಿಯಪ್ಪತ್ತು ಕೇರಳ, ಘಟ್ಕ ಪಂಜಾಬ್, ಸಿಲ್ವಂ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಥಿಸಮ್ಮು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ. ಇಸ್ಕಾ ಸಹಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇ ಸಿಲ್ವಂ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮತಲಬ್ ಜೋ ಸಹಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಹೀ ಹೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಬೌಟ್ ಥಂಗ್ತಾ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್. ಇಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅರೌಂಡ್ 500 BC. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್? 1 and 2, 2 only, 1, 2 and 3 only. ಇಸ್ಕಾ ಸಹಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇ 2 only. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಛೌ ಫೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್? ಛೆಬಿ ಗಗ್ದ, ಥೋಡಾ, ಪರಿಖಂಡ, ಥಂಗ್ತಾ. ಜೊತೆ ಈ ಕೌನ್ಸ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಜೊ ಹೇ ಕಿ ಛೌ ಫೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೇ ದೇಖನೆ ಕೋ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ? ಇಸ್ಕಾ ಆನ್ಸರ್ ಹೇ ಪರಿಖಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಯೂಜಸ್ ಬೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೋ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪ್? ಗೋಟ್ಕಾ, ಮುಷ್ಟಿಯುದ್ಧ, ಕುಟುವರಸಿ, ಬರ್ಸೈ, ಥೋಡಾ. ಇಸ್ಕಾ ಸಹಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇ ಥೋಡಾ, ಜೊಕಿ ಜಿಸ್ಮೇ ಧನುರ್ಸರ್ ಕಾ ಯೂಜ್ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸಂಗಮ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್? ಕುಟುವರಿಸೈ, ಕಥಿಸಮು, ಬಂದೇಸ್, ಕಲರಿ ಪೇಯಟು. ಇಸ್ಮೇ ಕೌನ್ಸಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಕಾಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಸಂಗಮ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೇ ಲಿಖಾ ಗಯಾ ಹೈ? ಇಸ್ಕಾ ಸಹಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇ ಕುಟುವರಿಸೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್, ಆರ್ಕಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಏಜಿಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೂರಿಸಮ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್. ಜೊ ಆರ್ಕಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಜೊ ಹೇ ಕಿಸ್ಕೆ ಕಿಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ಮೇ ಜಾತಾ ಹೈ? ಇಸ್ಕಾ ಸಹಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ IGNCA? ಕಲಾನಿಧಿ, ಕಲಾ ಕೋಶ, ಕಲಾ ದರ್ಶನ, ಕಲಾ ಸಂಪದ. ಇಸ್ಕಾ ಸಹಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇ ಕಲಾ ಸಂಪದ. ಈ IGNCA ಜೊ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್, ಬಹುಜನ್ ಹಿತಾಯ ಬಹುಜನ್ ಸುಖಾಯ ಈಸ್ ದ ಮೋಟೋ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ICCR, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಇಸ್ಕಾ ಸಹಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 22 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಏಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗಿವ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ರಾಜಸ್ಥಾನಿ, ಬೋತ್ ಎನ್ ಬಿ, ನೈದರ್ ಎ ನಾರ್ ಬಿ. ಇಸ್ಕಾ ಸಹಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇ ಬೋತ್ ಎ ಎನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್, ಲಲಿತ್ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ವಾರಣಾಸಿ, ಲಕ್ನೌ, ಜೈಪುರ್, ದೆಲ್ಲಿ. ಈ ಜೊ ಲಲಿತ್ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೇ ಇಸ್ಕಾ ಜೊ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕಹಾಂ ಪರ್ ಹೇ? ಇಸ್ಕಾ ಸಹಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇ ದೆಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆನ್ ಇಂಡೋ ಗ್ರೀಕ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಕನಿಷ್ಕ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೂ ಶುಡ್ ಲೀಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸ ಟೂ ಹೇ? ಓನ್ಲಿ ಒನ್, ಓನ್ಲಿ ಟೂ, ಬೋತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ, ನೈದರ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟೂ. ಇಸ್ಕಾ ಸಹಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇ ನೈದರ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್, ಉಜ್ಜೈನ್ ಸಿಂಬಲ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಕುಶಾಣ, ಗುಪ್ತ, ಸಾತವಾಹನ, ವಿಜಯನಗರ. ಇಸ್ಕಾ ಸಹಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇ ಸಾತವಾಹನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಪಿಕಪ್ ವಾಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗುಪ್ತ ಕಾಯನ್ಸ್. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಚಾಲುಕ್ಯ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ತೊ ಇಸ್ಕಾ ಸಹಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇ ಓನ್ಲಿ ಒನ್, ಓನ್ಲಿ ಟೂ, ಬೋತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ, ನೈದರ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟೂ. ಇಸ್ಕಾ ಸಹಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇ ನೈದರ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್, ಇಲಾಹಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ವೆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಹುಮಾಯೂ, ಅಕ್ಬರ್, ಜಹಾಂಗೀರ್, ಶಾಹಜಹಾನ್. ಇಲಾಹಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಜೊ ಹೇ ಕಿಸ್ನೆ ಜೊ ಹೇ ಇಶ್ಯೂ ಕಿಯಾ ಥಾ? ಇಸ್ಕಾ ಸಹಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇ ಅಕ್ಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಬೆರಿಗಜ, ಮುಜರಿಸ್, ತಾಮ್ರಲಿಪ್ತಿ, ಮೈಸಲ್ಯಾ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೇರ್ ಆ್ಯನ್ ಆನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್? 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4. ಇಸ್ಕಾ ಸಹಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇ ಒನ್, ಟು, ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್. ತೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಜೊ ಹೇ ಆನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮಯ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಥೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ 5th century BC. ಲೆಪ್ರೋಸಿ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತ. ಈ ಜೊ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಜೊ ಹೇ 5th century ಮೇ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಹುವಾ ಥಾ.
या और जो है स्वास्थ्य संहिता में लेप्रोसी के बारे में जो कुष्ठ रोग के बारे में लिखा गया है। इसका सही आंसर ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू और नैदर वन नॉट टू। सही आंसर है ओनली टू। ये जो लेप्रोसी के बारे में जो है स्वास्थ्य संहिता में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्स्ट दीपोहंस एंड महाभंस आर रिलेटेड टू महायान बुद्धिज्म, थेरावाड़ा बुद्धिज्म, दिगंबरा सेट ऑफ बुद्धिज्म, स्वतंबरा सेट ऑफ बुद्धिज्म। ये जो दीपोहंस एंड महाभंस किस से रिलेटेड है, इसका सही आंसर है थेरावाड़ा बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सूफी मूवमेंट, ऑनेंसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, यूनिटी ऑफ एवरेज, बोथ ए एंड बी, आइदर ए नॉट बी। इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिला इज कॉन्टेम्प्रेरी टू अकबर्स पीरियड, सतारी, नक्शाबंदी, फिरदौसी, चिश्ती। इसका सही आंसर है नक्शाबंदी। तो यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है अटेंड कल्चर का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। टिल देन बाय, थैंक यू।